नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट को लेकर एनआईए मामले की जांच कर रही है। एनआईए ने इस मामले से जुड़े मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और एजेंसी इसके कनेक्शंस का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में ब्लास्ट से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है, जिसमें इस कैफे ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। एनआईए इस समय ऑनलाइन हैंडलर की पहचान करने की कोशिश कर रही है, जिसका कोड नेम कर्नल बताया जा रहा है। अधिकारियों का शक है कि कर्नल कोड नेम 2019-20 में आईएस अल हिंद मॉड्यूल के साथ जुड़ने के बाद से घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार हुए आतंकी अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब के संपर्क में था। आपको बता दें कि अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को इसी कैफे ब्लास्ट में संलिप्त होने के चलते 12 अप्रैल को दबोचा गया था। मुसाविर हुसैन शाजिब इस हमले का मास्टरमाइंड है। ऐसा माना जाता है कि आईएस अल हिंद दक्षिण भारत में कई युवाओं को क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से पैसे भेजता था। इसके अलावा वो धार्मिक स्थल, हिंदू नेताओं और प्रमुख जगहों पर हमले करने के लिए प्रेरित करता था। मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को नाम न बताने की शर्त पर कहा, हमने नवंबर 2022 में मंगलुरु ऑटो रिक्शा विस्फोट के बाद कर्नल नाम के हैंडलर के बारे में सुना। वो मिडिल ईस्ट में कहीं से काम करता है, वो शायद अबू धाबी में थे। ये एजेंसियां इस्लामिक स्टेट समूह के छोटे मॉड्यूल बनाकर आतंकी गतिविधियों को दोबारा से शुरू करने के लिए पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई की मदद लेती थी। इस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कर्नल कोड नेम वाले इस इंसान के साथ मिलकर काम करती है। आईएसआई पहले भी भारत में आतंकी मॉड्यूल को आईएस की मदद से काम कराती थी, जैसा कि अक्टूबर में दिल्ली में 3 आईएस मॉड्यूल सदस्यों की गिरफ्तारी से पता चला था। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों से कर्नल, उसकी ऑनलाइन पहचान, भविष्य की आतंकी योजनाओं और शिवमोगा आईएस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक ताहा और साजिब पहले 20 सदस्यीय अल हिंद मॉड्यूल का हिस्सा थे, जिसने दक्षिण भारत के जंगलों में आईएस प्रांत स्थापित करने की योजना बनाई थी। बहरहाल, इस घटना में आगे जो भी जानकारी मिलेगी वो अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद और साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का इस मामले में नाम आने के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होनी तय है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।